सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिया सिंह एंड इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कर रही हूँ एडिटिंग। आकाश जा चुका है अपने घर, मतलब गाजियाबाद। तो अभी मैं दो दिन के लिए रुकी हुई यहाँ पर, दो दिन के बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। उसके बाद फिर हम पत्थर वाली रस्म करेंगे, वो करेंगे हम होली से एक दो दिन पहले। और अभी हमें जाना है, मतलब मेरे को छाया का जाना है बैंक वगैरह, क्योंकि जब मेरा बैंक वाला जैसे मेरा प्रोसेस था, ऐसे छाया का भी होना है। तो पहले इसका अकाउंट अनब्लॉक होगा, उसके बाद ATM सब चीज़ों के लिए अप्लाई वाला सब कुछ एक साथ किया जाएगा, तो वो सब चीज़ होनी है। उसके अलावा आज हम खोलेंगे गिफ्ट्स जो कि हमें जो मेरी शादी में मिले थे, क्योंकि सब कुछ यहीं पर रह गया था, जो भी मम्मी के साइड से जो भी मिला या फिर मुझे मेरे दोस्त दोस्तों ने दिया था, सब कुछ यहीं पर रह गया था। तो मैं साथ में तो वैसे भी लेके जा सकती थी। उसके अलावा कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे जो आकाश के थे, तो वो एक आदि थे, मतलब एक ने शिवानी है जो उसकी फ्रेंड ने मेरे लिए और आकाश के लिए दोनों की फ़ोटो बनाया था हमारे शादी वाला, तो वो सब वहीं पर रखे हुए हैं। तो अब मैं जब जाऊंगी, मुझे याद रहा तो मैं वो सब चीज़ आपको दिखाऊंगी। दो तीन गिफ्ट लेते, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ सोने वोने का, चांदी का या फिर पैसे, ये सब चीज़ें मिली थी। गुड मॉर्निंग रूरू लड़के को प्यार हो गया है। किससे? लूसी से। ये जब बाबा के हम तेरे पीले गए थे तो इसको हम छोड़ गए थे जो छाया की फ्रेंड है सुंदरी अंजलि उसके पास, और उनके पास एक उनकी पैक है। तो भाई ये दोनों एक साथ रहे तो इसको प्यार हो गया। खाना नहीं खा रहा तब से ये लेट खा रहा है। क्या बात है। नाम मत कर मुझे नहीं, वो कह रहा तुमने लूसी का नाम लिया तो लूस के नाम पे मैं खा दूंगा। क्या बात है, शाबाश। लूसी भी नहीं खा रही। क्या बात है, सही है। चलो तेरे मिलवाना पड़ेगा बीच बीच में ले जाके, तब जाके थोड़ा सही होगा, छोड़ दे बीच में। बार बार इस रूम में आके लगता कि यहाँ पे बाबा लेटे हुए हैं, और अभी थोड़ी देर मैं यहाँ बैठूंगी और बाबा से बात करूंगी, पर बाबा है नहीं यहाँ। हम यहाँ बैठ रहते थे, बाबा के साथ बात करते रहते थे, और वो आराम से वाले लेट देते थे। कभी कभी वो मम्मी मम्मी का नाम लेते थे, चिल्ला देते थे, सावित्री बुलाते, कभी कभी कुछ, तो वो सब चीज़ें ऐसी लगती हैं। मैं उधर भी बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा इधर ही बैठे हैं और मैं जाऊँगी उनके पास बैठूँगी। और अभी मैं जाके मैं अंदर भी ग्रेप्स खा रही थी अंदर ही, और ग्रेप्स खा के मैं कहती थी थोड़ी देर में बाबा से आके बैठूँगी। और फिर मुझे बैठते रहते, फिर मैं इधर पीछे बैठ गई, मुझे याद आया बाबा से खाएंगे अभी। चलो यार, अभी पता है घर में अब वो है ना कि वो चीज़ें ज़्यादा उसमें फील होती हैं, थोड़ा सा अपना मन डाइवर्ट करता है। चलो मैं वो दिखाती हूँ जो मेरे को शादी में मेरे गिफ्ट मिले थे, तो वो देखते हैं बैठते, थोड़ा सा मन भी डाइवर्ट रहेगा, क्योंकि कुछ है वो ऐसा काम नहीं है कुछ करने के लिए, तो वो चीज़ें अब ज़्यादा ऐसे हो रही हैं। तो चलो चलते हैं, कुछ गिफ्ट्स देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा मन डाइवर्ट होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और मैंने देखे भी नहीं क्या क्या गिफ्ट्स हैं, तो चलो खुलते हैं, देखते हैं क्या किसकी तरफ से क्या आया है। तो ये हमारे गिफ्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, इनको लेके चलते हैं, थोड़ा सा इनको देखते हैं क्या क्या आया है, किस किस ने क्या क्या भेजा है। तुमने देखा कुछ? नहीं देखा। तो साड़ी वाड़ी देखी है ना? टाइम ही नहीं मिला मुझे देखने का। टाइम नहीं मिला, चलो अभी देखते हैं ना। और भी निकल के ले जाता हूँ मैं। ये सारे गिफ्ट सिर्फ यहाँ वाले हैं जो कि मेरे दोस्त थे, और बहुत सारे दोस्त वगैरह है उन्हीं लोगों की है, कुछ कुछ और कुछ ज्यादा लोगों ने पैसे दिए थे या फिर कुछ सोने पोने का सामान दिया था, तो वो सब अलग हटा के सिर्फ हम गिफ्ट खोलेंगे आज, ठीक है ना। चलो मैं दिखाती हूँ सब कुछ लिया। तो ये सारे गिफ्ट्स हैं, इधर कुछ हैं और कुछ इधर हैं। ये नेहा ने दिया था, मैंने पहले खोल लिया था, और ये शिवांगी ने दिया था, ये भी मैंने पहले खोल लिया था। तो तब भी अगर मैं दिखा दूंगी सारे के सारे, और अभी खोलना शुरू करते हैं। मैं जरा कैमरा सेट कर देती हूँ और फिर शुरू करते हैं। सो अभी हम शुरू करते हैं
थोड़ा सा कैमरा डाउन हो गया था चक्कर में ढंग से, मतलब टाइम लग गया थोड़ा सा, मेरे थोड़ी चेंजेस भी लग रही है, थोड़े से बाल वाल कॉम करके आ गई मैं। और स्टार्ट करते हैं विद दिस बैग, जो कि मैंने ये पहले ही खोल लिया था, ये मुझे दिया है नेहा ने, और ये कुछ ऐसा मतलब बैग है, उसके अंदर क्या है अच्छा है, मतलब बैग की क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छा खासा है इसमें, और कलर भी अलग है बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब न्यू सब पे चल जाएगा, सब कुछ सोचना ही पड़ेगा, तो अच्छा है बैग। अब एक और जो कि वो भी मैंने खोल लिया है, वो मुझे दिया था शिवांगी ने, और ये है क्लच, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्लच है, मतलब बिल्कुल पार्टी वाला वाइब। वैसे इन दोनों ने ना क्या, मुझे शिवांगी ने बताया था, इन दोनों ने बात करी दूसरे से कि तू क्या दे रही है, तू क्या दे रही है। शिवांगी पहले मुझे बैग देने वाली थी, फिर उसने सोचा कि तू बैग दे रही है, तो मैं क्लच देती हूँ, जो कि मुझे शिवांगी ने बताया है। तो ये हो गया, इसके अंदर ये चेन दी हुई है, अगर हैंग करना हो ऐसे करके तो ठीक है। और ये बहुत प्यारा क्लच लग रहा है, गोल्डन है, और ये ऐसा है कुछ, तो सब पता चल जाएगा। अच्छा ये भी है कि मतलब ऐसे पकड़ रहता ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, इसमें अच्छा है कि ऐसे ऊपर पकड़ने के लिए तो मैं आराम से इसे पकड़ सकती हूँ, ऐसे हाथ में भी डाल सकती हूँ, कुछ खाना पीना हो तो अच्छा है। इसके अंदर ये कि मेरा फोन वोन भी आ जाएगा, ज़्यादातर वरना लोग ऐसे देते हैं कि उसका फोन वोन कुछ नहीं आ पाता, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो थैंक यू शिवांगी एंड नेहा। अब हम खोलते हैं ये, तो ये मेरी फ्रेंड ने दिया है, जिसका नाम है अंजलि, जो कि व्लॉग में आई है, एक दो बार आई है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसने मुझे ये दिया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसे हम ओपन करते हैं। सो मुझे अंजलि ने दिया है ये राधा कृष्ण जी की तस्वीर है, फोटो है, मतलब जो भी हो सकता है, फ्रेम है ये, उसमें राधा कृष्ण जी का, बहुत प्यारा है, ठीक है ना। ये मेरी फ्रेंड ने दिया अंजलि, सो थैंक यू अंजलि। अब इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब खोलते हैं इस बॉक्स को, जो कि मुझे दिया है आकांक्षा जैन, ये भी मेरी फ्रेंड है, ज्यादातर मेरी फ्रेंडों ने दिया है, क्योंकि ये सोने पोने का काम वैसे भी सारी है, मम्मियाँ मौसियाँ यही काम करती हैं, ठीक है ना। और इसको हम खोलते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉच है, बहुत सुंदर वॉच है ये, सिल्वर में, मतलब बहुत सही लग रही है और चल भी रही है, ये भी नहीं है कि नहीं चल रही, जाते रहे वरना लोग बिना चले पकड़ा देते हैं, तो ये चल रही है वॉच, और ये बहुत सुंदर लग रही है सिल्वर कलर में, मुझे लग रहा है इसके अगर पीछे बहुत सुंदर सा बैकग्राउंड हो और फिर अगर इसको लगाया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि हमारा न्यू घर भी है तो मतलब गाजियाबाद में, तो हम वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। सो थैंक यू आकांक्षा जैन। अब हम बोलते हैं नेक्स्ट, एक सेकंड कर रही हूँ। सो अभी छाया मतलब जैसे कि अकाउंट के काम से गई तो सब कुछ वही अकाउंट का सील के लिए गई हुई है। और ये मुझे दिया है, सॉरी मैंने बताया तो चक्कर में पड़ी है, ये मुझे दिया है शिवी ने, ये भी मेरी स्कूल की फ्रेंड है, ये ज्यादातर मेरे सबके सब स्कूल की फ्रेंड है, जो कि आपने ब्लॉग में ऑलरेडी देख लिया होगा, तो ये उन्हीं में से सबने दिया है, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, और ये भी मेरी फ्रेंड ने दिया, ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ तस्वीर टाइप है, फिर ये कुछ ज्यादा ही सब लोगों ने मैचिंग करके दिया है क्या, सिल्वर, जिससे कि हम अच्छे से बैकग्राउंड डाल सकें, तो ये भी सिल्वर में ही है और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। इसके अंदर है वही राधा कृष्ण जी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, तो थैंक यू शिवी। ये मुझे दिया है अंजलि बनाना, ये है छाया की दोस्त, जिसको मैं बोलती हूँ सुंदरी, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो अभी उसे खोलते हैं, वो तो बहुत सुंदर है, ये मुझे चाहिए था एक्चुअली कि हम अपने नए घर में रखेंगे, और मैंने अभी अभी लास्ट अभी जब मैं सफाई वफाई कर रही थी तो मैंने ऐसे ही कुछ मिलता जुलता, वो एक अलग उसमें था, मतलब अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ था यही, और मेरे को एक और मिल गए हैं जिनको भी मैं अपने इधर घर पे ही वहाँ पर सजाऊंगी, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, मतलब ये मुझे एक्चुअली चाहिए था, मैं खरीदने भी वाली थी, तो थैंक यू अंजलि। ये बिल्कुल मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा था कि मुझे चाहिए चाहिए लेना है। ये हो गया अंजलि बनाना का, सो थैंक यू अंजलि बनाना। एंड ये है अब मेरी फ्रेंड का, इसका नाम है मानसी झक्कर। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से मतलब मैं टेंथ में थी तब मैं नेहा और मानसी हम ज़्यादा बहुत एक साथ रहते थे, और फ्रेंड्स थे कि हम एक दूर हो गए थे, कुछ लोग चले गए थे, तो ऐसा कुछ था,
तो मैं नेहा और मानसी की तरफ से तो फाइनली मानसी का गिफ्ट खोल रहे हैं हम। इतनी प्यारी प्यारी चीजें दी है ना तुम लोगों ने यार, लव इट लव इट, थैंक यू मानसी। तो ये भी लेने वाली थी मैं, जैसे कुछ दो तीन चीजें सोची थी ये भी लेने वाली थी, पर इसमें मैंने सोचा था कि सिर्फ ये खाली होंगे, पर ये जो डिजाइन है ये मेरी सोच से बिल्कुल अलग है और बहुत सुंदर लग रहा है। सो फाइनली आई गॉट इट एंड थैंक यू मानसी। उसके अलावा ये मुझे शिवांगी की मम्मी ने साड़ी दी है और दिस इज नाइस। उसके अलावा ये भी मेरे रिश्तेदार में से मुझे किसी ने ये साड़ी दी है, ठीक है, और ये भी किसी ने साड़ी दी है और ये सूट दिया है, ये सब मेरे रिश्तेदार वगैरह में से मैंने दिया है। और इसके अलावा इसमें क्या है, ये जो भैया के फ्रेंड है दिव्यांश भैया, उनकी मम्मी ने ये दिया है कुछ कुछ, क्या ये कलर है, ठीक है ना, तो दिस इज नाइस। अब इसके अलावा हम खोलते हैं जो लास्ट, मतलब जो बहुत सुंदर सा लग रहा था, खोलते हैं अभी से खोलते हैं, पता नहीं मेरे को खोलने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये इतना आगे से इतना सुंदर है ना, सी मतलब इसमें ये जो लगे हुए हैं ना डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है। चलो जल्दी से खोल लेते हैं। चार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्लासेस हैं छोटे छोटे और दो पैक करने वाले टिफिन बॉक्स टाइप सकते हो, जैसे कि नमकीन बिस्किट डालो तो बंद रहेंगे, और बहुत सुंदर है ये भी सब काम की चीज़ें हैं, ज़्यादा सब लोगों ने ऐसी चीज़ें दी हैं कि जो काम आएंगी, या तो मैं यूज़ करूँगी या फिर अपने घर में यूज़ करूँगी। सो ये मुझे दिया है वृंदा दीदी ने, सो थैंक यू वृंदा दीदी, और ये बहुत सुंदर है, इसको मैं लग रहा कि मैं तो घर जैसे घर जाऊंगी इसे खोल के सबसे पहले मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच जिसने भी सुने, और ज्यादातर लोगों ने मुझे, रिश्तेदार ने सब ने मुझे वैसे ही गिफ्ट दिए, मतलब गिफ्ट किया सोना चांदी वगैरह, क्योंकि यू गाइस नो कि ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, ये तो फ्रेंड्स वगैरह के लोगों ने इसलिए मुझे दी हैं, और या फिर पैसे दिए किसी ने सोना चांदी ऐसी चीज़ें दी हैं। सो वो सब चीज़ें मैंने दिखाना चाह रही, क्योंकि वो सब मैंने रखवा दिया है, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, मैं मतलब जो मेरे इन लॉज हैं उन लोगों ने बहुत कुछ लिया था, बट जैसे कि मैं पहनती नहीं हूँ तो उन बेचारों को वापस ऐसे कैसे रखना पड़ा, और मतलब जब से मेरी शादी हुई मैंने एक मंगलसूत्र है जो कि मैंने अपना वाला जो सोने चांदी का जूता वो मैंने पहना है, और उसके अलावा मैंने सिर्फ जब मैं बाबा की तेल भी थी तब मैंने ये सोने के पहने हैं ईयरिंग्स, अदरवाइज मैं कुछ मतलब मेरा मन ही नहीं करता, रिंग विंग तो मैं पहनती रहती हूँ बट मेरा कुछ ऐसा वाला मतलब मुझे पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा मतलब जो मैं नॉर्मल पहनती हूँ अपने जैसे कि आर्टिफिशियल टाइप जैसे वो मुझे ज़्यादा पसंद है, और वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मुझे लगता है कि मुझे अब टेंशन नहीं जरूरत नहीं है, अगर खोफ आ जाए कुछ हो जाए तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, अगर वो सोने वोने की चीज़ अगर कहीं गुम हो जाएगी तो किसी ने कितने दिल से दी है वो चीज़ें, तो वो सेफ रख लिए हैं ज़्यादा बेटर है, और मुझे भी टेंशन नहीं होगी और मुझे दुख भी नहीं होगा, सो बेटर है कि मैं ना पहनूँ, और जब मन करेगा तब पहन लेंगे, अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि ना ही मेरा मन होता पहनने का, तो वो उनको रखे रहने देते हैं, और अभी सिर्फ ये सब चीज़ें थी जो कि मुझे दिखानी थी, और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो इस वीडियो को एंड कर देते हैं, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो अभी के लिए।